आप देख रहे हैं अपना समाचार। जयंती है और साथ में इनके कार्यालय का उद्घाटन है और साथ ही बेरोजगारों के लिए उन्होंने संकल्प.com वेबसाइट भी लॉन्च किया है ताकि ऑनलाइन रोजगार बच्चे भी अपना जो है करियर शुरुआत कर सकें। क्या सरकार ने कहना चाहिए? देखिए, शिवाजी जयंती पर ये तो हर हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की बात है और ये हमेशा अंदर हमारे अंदर ये संदेश देता है कि हमारे जो पथ प्रदर्शक थे शिवाजी, जिन्होंने अंग्रेज़ों की लड़ाई में इतने बड़ी अहम भूमिका निभाई, उनकी कुर्बानी हमें याद रखनी चाहिए अपने देश को बढ़ाने के लिए। और उसी पथ पर चलते हुए शैलेश जी, स्नेहा जी आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे छोटे भाई पिंटू जी का, जिनके सहयोग से आज मैं यहाँ हूँ, जिन्होंने मुझे आदेश दिया यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो छोटे भाई का आदेश हटाया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ आकर मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है जब हमारे तमाम उत्तर भारतीय लोगों से मुलाकात हो रही है। और बेरोज़गारी आज एक देश की बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या को दूर करने के लिए जो शैलेश जी, स्नेहा जी सब लोग प्रयासरत हैं, इनके सहयोगी, उन लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप कीमती समय निकाल करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब इस शुभ कार्य में अगर मैं कीमती समय कितना भी हो, इस शुभ कार्य में शामिल होने से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकता, ये मेरी नज़र की बात है। अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जो प्रयास इस क्षेत्र में सब लोग कर रहे हैं, हमारे भाई बहन जितने लोग, और आज शिव जयंती पर जो ये कार्यक्रम आयोजन किया है, इनके आयोजकों को धन्यवाद दीजिए, इनको साथ दीजिए, इनकी लड़ाई में आप शामिल होइए, इन्हें बार बार इस पद पर जिताइए ताकि आप लोगों की समस्याएं दूर होती रहे। बात की जाए जैसे कि लगातार 20 साल तक आप अकेले पहले सुपरस्टार रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के, और आज जो तीसरा दौर चल रहा है भोजपुरी सिनेमा के, कई सुपरस्टार आ गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ज़माने का जो स्टारडम था, जो फिल्में थी, जो भोजपुरी सिनेमा था, और आज का जो हालात है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आज पांचवी पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ, और इसके लिए 2012 में मुझे राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। तो भोजपुरिया होने का एक गर्व है और भोजपुरी समाज ने जो स्नेह प्यार दिया है, जिसकी बदौलत आज ये कुनाल कुनाल बना है, उसके साथ साथ ये जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर दे दी गई। लेकिन इस जिम्मेदारी का मतलब है कि जो हमारे घर की माँ बहनें भोजपुरी सिनेमा देखती थी, आज वो सारे दर्शक हमारी भोजपुरी फिल्मों से दूर हो गए। तो मैं कहता हूँ आप चांद पर चले जाइए, लेकिन अपने रीति रिवाज और संस्कृति को मत भूलिए। और इंसान वो बड़ा होता है, समाज वो बड़ा होता है जिस भाषा से आपकी पहचान होती है, अगर उसकी रीति रिवाज और संस्कृति को आप जिंदा रखते हैं तो। और भोजपुरिया भाषा या भोजपुरी समाज से हिंदुस्तान को कभी अलग नहीं किया जा सकता, चाहे वो फिल्म हो, गीत संगीत हो, साहित्य हो, कहीं ना कहीं भोजपुरी के बिना ये अधूरा रह जाता है। तो ये संदेश देना चाहूँगा कि बेशक 21वीं शताब्दी में अगर आप जी रहे हैं,
तो आपको आज इस शताब्दी की जितनी समस्याएं उसको टैकल करने के लिए उसको आप अपने सूझबूझ से कीजिए, लेकिन जो आपकी पहचान है उसको मत खोइए। और आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि अश्लीलता फिल्मों के ज़रिए, गीतों के ज़रिए जो अश्लीलता फैल गया है इसका बहिष्कार करें। आप देखें ही नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति ये नहीं है। और एक बेवकूफ़ी की वजह से पूरे समाज को गलत समझा जाता है, इसलिए इसका बहिष्कार करें और अपनी भाषा पर गर्व करें। आप देख रहे हैं अपना समाचार।